Assalamu alaikum. My name is Dr. Andalib Ahmed. I've been mujhe kaha gaya hai ki ek aap liye ek short video banau aap logon ko zara samjhane ke liye about coronavirus. To mera naam maine kaha hai Dr. Andalib Ahmed hai. Main ek GP hoon look in Harrow and Hillingdon. तो आप लोगों को पता होगा कोरोना वायरस के मुतालिक में जल्दी से समझाती हूँ कि जो उसके सिम्टम्स हैं एक तो है बुखार 37.8 से ज़्यादा या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो छाती है या कमर है वो बहुत गर्म है तो वो एक सिम्टम है. सेकंड सिम्टम जो है वो खांसी है, एक नई खांसी जो दिन में 3 या 4 दफ़ा आए या 1 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है. और तीसरी जो है वो सांस चढ़ना कि आपको ये नया शुरू हुआ है. तो ये 3 सिम्टम्स हैं, एक बुखार, एक सांस चढ़ना और एक नया खांसी. अगर आपको इनमें से एक या तीनों आए तो प्लीज़ अपनी GP के पास ना जाना, ना हॉस्पिटल जाना. NHS 111 वेबसाइट पे जाएं, फिर अपने सिम्टम्स उसमें डालें. अगर आप गूगल में करें NHS सिम्टम चेकर, वो आपको आ जाएगा. या फिर या अगर आपको ना एक्सेस हो तो 111 फ़ोन करें. मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है, इसी बहुत इन्फॉर्मेशन है, मगर हमारे जो लोग हैं ज़्यादा वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो गवर्नमेंट ने कहा है वो नहीं अभी कर रहे हैं. वो अभी तक पहले से जैसे कर रहे हैं वो चल रहा है. तो प्लीज़ जो हैं आप अगर आपको ये इन सिम्टम्स में से कुछ हो, प्लीज़ यू मस्ट फॉलो के जो गवर्नमेंट की एडवाइस है कि GP के पास ना जाना या हॉस्पिटल ना जाना पहले, या ऑनलाइन चेक करें या 111 फोन करें. मगर सेकंड जो है कि गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है कि ये जो हमारा रिस्क है वो कैसे कम कर सकते हैं. तो पहली जो चीज़ है कि आप प्लीज़ 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 अपने घरों में रहें. अगर बहुत ज़रूरी है बाहर जाना तो फिर जाएं, ज़्यादातर अपने प्लीज़ घर में रहें. तो लोगों का जो आना जाना है ना, दोस्तों का, फैमिली का, के आए जाएं जैसे पहले है, वो आपने बिल्कुल बंद करना है. ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहें नहीं ये हमारे अपने हैं, साफ़ सुथरे हैं, नहीं कुछ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. अगर वो बिल्कुल ठीक भी हो, प्रॉब्लम ये है कि जो वायरस है वो 14 दिन के लिए जिस्म में रह सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा को पता हो कि मुझे हुआ है, इसलिए वो 14 दिन के बाद उन्हें कुछ सिम्टम्स आएंगे. तो प्लीज़ जो आना जाना है ना आपका, बाहर आना जाना, वो बंद करें. ज़रूरी बहुत है फिर जाना, यानी कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है या दवाइयाँ आपके ख़त्म हो गए हैं. फिर भी अगर दवाई ख़त्म हो गए हैं आप अपनी फार्मेसी को भी फ़ोन कर सकते हैं. मगर जो लोगों का आना जाना है ना अपने घर में वो बिल्कुल बंद करें, विज़िटर्स ना आए. तो अगर आप अकेले हो फिर लोगों को कहें कि अगर कुछ छोड़ना है, कोई शॉपिंग छोड़नी है वगैरह, वो अपने दरवाज़े के पास छोड़ के चले जाएं, अंदर ना आने देना. और ये जो ऊपर से ये मस्जिद में जाना, अब ऐलान बहुत मस्जिदों में हुआ है कि ना आए जुमा पढ़ने, और अपने जो 5 वक्त की नमाज है अल्लाह हमें माफ़ करे, मगर वो आप अपने घर में पढ़ो, वो आपके लिए बेहतर होगा. इसलिए जो ये जो चीज़ है ये बहुत तेज़ी से फैल रही है. तो अगर आपके घर में कोई सफाई करने वाली भी आए, या बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन आए, कुरान शरीफ पढ़ने आए, वो आपने बिल्कुल अब बंद करना है. अगर बहुत ज़रूरी है कि आपसे सफाई नहीं होता है तो फिर आप ऐसे तरीके देखें कि
वो उनको इक्विपमेंट मिलना चाहिए, मास्क मिलना चाहिए, एप्रन मिलना चाहिए, ग्लव्स मिलना चाहिए, विंडोज़ भी खुले हों, मगर बेहतर है कि वो बंद करें, तो आप जैसे भी खुद बखुद अपने घर को देखें। मगर अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे में हमारी कम्युनिटी में है, एक तो वो फिर भी अपने जीपी के पास जा रहे हैं या हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। प्लीज़ वो बंद करें, जैसे वो गवर्नमेंट समझा रही है, प्लीज़ उसे फॉलो करो कि अगर आपको सिम्टम्स बुखार खांसी या सांस का है, NHS.111 वेबसाइट पे जाएं या 111 फ़ोन करें, 111 फ़ोन करें। सेकंड जो बात है, प्लीज़ आना जाना बंद करें, लोगों का आना जाना बंद करें। मस्जिद और मना जाना अपने जो हलका है, दर्स है, खुद ये ख़त्म्स है, ये प्लीज़ बंद करो। तीसरी जो चीज़ है कि अपने हाथ धो। आज अगर आपको ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं, तो अपने हाथ धोते जाओ। गर्म पानी और साबुन से बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो ये जो हैंड सैनिटाइज़र मिलती है, उससे करें। तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन है। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो आप किसी दोस्त को फ़ोन करें या फिर पूछ लें, या किसी फैमिली मेम्बर को कि आपको समझाएं। अगर आप अकेले रह रहे हो, तो आप अपना जो मेडिकेशन है, वो आपकी फार्मेसी आपको घर में आके दे सकते हैं। अगर आपको किसी शॉपिंग की ज़रूरत है, तो वो भी जो है वो आप किसी को कहें कि आपको बाहर आके छोड़ लें। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कह लेते हैं कि वो शॉपिंग जो है वो आपके पास छोड़ ले घर के बाहर, अंदर ना आने देना, बस बाहर डोर स्टेप पे छोड़ के ना खटखटा के वो चले जाए। अगर आप अपनी फैमिलीज में रह रहे हो, तो एक तीन ग्रुप्स हैं जिनको बहुत रिस्क है इस चीज़ की। एक जो 70 से ज़्यादा हैं, एक जो 70 से कम है, तो उन्हें किसी कोई तकलीफ़ है दिल की, सांस की। वो ये जो 70 से कम है, अगर आपको फ्लू का इनविटेशन मिलता है ना हर साल, आप उस ग्रुप में हैं। तो तीसरी जो है, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उन्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अपने आप को घर पे रखें, बाहर ना जाएं, लोगों से तकरीबन 2 मीटर्स यानी 6 फुट तकरीबन।